ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जिस घर में स्वच्छता होती है वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। साफ सुथरे घर में मां लक्ष्मी का निवास होता है। यही कारण है कि दिवाली या अन्य त्योहारों पर हम अपने घरों की विशेष साफ सफाई करते हैं, जिससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो। वास्तुशास्त्र में झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है, इसलिए यदि झाड़ू को ठीक ढंग से न रखा जाए तो इसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। झाड़ू का इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है। घर की साफ सफाई में का उपयोग होता है। घर की साफ सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली झाड़ू को लोग भले ही एक सामान सी वस्तु मानते हों, लेकिन इसका संबंध आपके सुख और सौभाग्य से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष के अनुसार झाड़ू का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से होता है। कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है उसी घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा भी शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार झाड़ू के बारे में। ऐसी तीन जगह हैं जहां पर झाड़ू नहीं रखी जाती। पहली जगह, जिस कमरे में पति पत्नी रहते हों उस कमरे में झाड़ू कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिवपुराण में वर्णित किया गया है कि जिस कमरे में पति पत्नी रहते हों यदि उस कमरे में झाड़ू रखी जाएगी तो उससे पति पत्नी में कलेश बना ही रहता है, आपस में प्रेम स्नेह नहीं रहता है। दूसरी जगह, जिस कक्ष में जिस हॉल में लोग आकर बैठते हों वहाँ कोई सोफा सेट लगा हो, कोई पलंग हो, तो उस पलंग या सोफे के नीचे झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इससे सास बहू के संबंध अच्छे नहीं होते, दोनों में विवाद होता ही रहता है। तीसरी जगह, अन्नपूर्णा का स्थान जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं, आप भोजन करते हैं यानी कि रसोई, घर में झाड़ू नहीं होना चाहिए। कारण, बच्चों में क्रोध आता है, इससे चिड़चिड़ापन हो जाता है, बच्चे चिड़चिड़े प्रवृत्ति के हो जाते हैं। समाज में बच्चों को हीन भावना मिलती है, उनका मान सम्मान कम हो जाता है, इसलिए किचन यानी कि रसोई में झाड़ू ना रखें। शिव पुराण में वर्णित है कि शाम के 5 बजे के बाद माता पार्वती भगवान भोलेनाथ भ्रमण के लिए निकलते हैं, इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है कि शाम के समय माताओं को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। शाम के समय माताओं को चूड़ी बिछिया नहीं बदलनी चाहिए। शाम के समय माताओं को सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। शाम के समय माताओं को बाल नहीं बांधने चाहिए। और शाम के समय को घर की चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। कारण, क्योंकि माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु आप मुझे प्रदोष काल के समय भ्रमण के लिए ले जाते हो, तो आखिर मुझे क्यों लेकर जाते हो, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती माता से कहा, मंदिर के अंदर जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करता है तो वो नंदी के कान में अपनी इच्छा बोलता है, तो नंदी के जरिए ही मैं उस इंसान के घर में जाता हूँ और उस इंसान का कल्याण करता हूँ। देवी पार्वती उनकी घर की नारियों को अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्रदान करना, यही तुम्हारा कार्य है। तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु अखंड सौभाग्यवती का वर तो मैं दे दूंगी, लेकिन उस समय यानी प्रदोष काल के समय अगर माताएं चूड़ी निकाल रही होंगी अपने हाथ से तो मैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान कैसे दे दूंगी। अगर वो मांग में सिंदूर भर रही होंगी तो ये मैं कैसे वर दे दूंगी। उस समय वह चूड़ी बिंदिया बदल रही होंगी या फिर उस समय पर झाड़ू लगा रही होंगी तो मैं उनको अखंड सौभाग्यवती का वर कैसे दे दूंगी। उस समय मैं लक्ष्मी को उनके घर कैसे भेज सकती हूँ, आप बताइए प्रभु। ऐसे समय पर मैं कैसे उन नारियों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे सकूंगी। तब मेरे महादेव कहते हैं, पार्वती मेरा नारियों के लिए संदेश है कि वो प्रदोष काल यानी कि संध्या के समय यदि श्रृंगार करती हैं तो जो नारियां प्रदोष काल में श्रृंगार करती हैं उनका श्रृंगार छिन जाता है। यदि वो शाम के समय चौखट पर बैठती हैं तो उनके घर की लक्ष्मी चली जाती हैं। प्रदोष काल का समय नारियों के लिए श्रृंगार का समय नहीं बल्कि ईश्वर की आराधना का समय होता है, इसलिए भूल कर भी प्रदोष काल यानी संध्या के समय नारियां श्रृंगार ना करें। शिवपुराण में वर्णित है, यदि आपके घर में संपदा की कमी हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी फल नहीं मिल रहा, नौकरी या व्यवसाय अच्छे से नहीं चल रहा है, कोई भी आपको तकलीफ है, तो संध्या के समय भगवान शंकर के मंदिर में दिया जलाना प्रारंभ कर दो। अगर शिव मंदिर में दिया नहीं लगा सकते तो बेलपत्र पेड़ के नीचे ही दिया लगाना प्रारंभ कर दो। अगर शिव के मंदिर में बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी दिया नहीं लगा रहे तो शिव की चौखट पर दिया लगाना शुरू कर दो। अगर इतना भी आप नहीं कर सकते तो अपनी घर की चौखट पर शंकर भगवान के नाम का दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते ही या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए यदि दिया लगा दिया जाए तो उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। उस घर की नारियां कभी भी विधवा नहीं होंगी, उन्हें माता पार्वती की कृपा से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त हो जाएगा, ऐसी लिखित बात है, करके जरूर देखिएगा। आप नियम तो बनाओ।